आप सभी को नवरात्रि की मंगल कामनाएं। आज हम आए हैं भारत की राजधानी दिल्ली में महाभारत कालीन पांच मंदिरों में से एक मंदिर जिसका संबंध भगवान श्री कृष्ण और देवी योगमाया से है। इस मंदिर का नाम है सिद्धपीठ माँ योगमाया मंदिर। यह सिद्धपीठ मैरोली में विश्व प्रसिद्ध कुतुब मीनार से मात्र 300 मीटर की दूरी पर है। पार्किंग स्थल के सामने गली में जाकर करीब 100 मीटर पर है माता का मंदिर। यहाँ आने के लिए सबसे नज़दीकी मेट्रो स्टेशन कुतुब मीनार और साकेत है, जो कि लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर है। वहाँ से आप ऑटो या फिर बैटरी रिक्शा भी ले सकते हैं। इस मंदिर में फूल वालों की सैर का वार्षिक उत्सव भी बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है। इसकी शुरुआत सूफी संत कुतुबुद्दीन बख्तियार खाकी द्वारा सन 1812 में किया गया था। इसे साल के अक्टूबर या नवंबर महीने में मनाया जाता है, जिसमें फूलों से बने पंखे देवी योगमाया के मंदिर में अर्पित किए जाते हैं। मंदिर में माता मूर्ति रूप में नहीं बल्कि पिंडी रूप में भक्तों को दर्शन देती है। कहते हैं यह पिंडी भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं अपने हाथों से स्थापित की थी और इसकी पूजा की थी। महाभारत युद्ध में विजय होने के लिए अर्जुन ने भी यहाँ सिद्धि ली थी। कहा जाता है महाभारत युद्ध में जब जयद्रथ ने अर्जुन के पुत्र अभिमन्यु को चक्रव्यूह में धोखे से मार दिया था, तब अर्जुन ने प्रतिज्ञा ली थी कि वो अगले दिन का सूर्य अस्त होने से पहले वो जयद्रथ का वध कर देगा, और अगर वह ऐसा नहीं कर पाया तो खुद को अग्नि दहन कर लेगा। तब जयद्रथ डर के मारे कौरव सेना के संरक्षण में छुप गया। अगले दिन सूर्य अस्त होने का समय हो गया, परंतु जयद्रथ सामने नहीं आया। उस समय श्री कृष्ण ने देवी योग माया की सहायता से सूर्य को बादलों में छुपा दिया और सबको लगा कि सूर्य अस्त हो गया, और तब जयद्रथ खुशी के मारे सामने आ गया। परंतु तभी योग माया ने उसी पल सूरज को बादलों से बाहर निकाल दिया और अर्जुन ने प्रतिज्ञा के अनुसार जयद्रथ का वध कर दिया। युद्ध में विजय होने के बाद पांडवों ने यहाँ देवी योगमाया मंदिर का निर्माण करवाया। मुख्य गर्भगृह में देवी योगमाया का दरबार है। देवी की मूर्ति को आभूषण और सुंदर वस्त्रों से सजाया जाता है। देवी की मूर्ति के ठीक ऊपर पंखे लगाए गए हैं और मंदिर में एक सुंदर गुंबद भी देखने को मिलता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार माना जाता है जब कंस को पता चला कि उसकी बहन की संतान के हाथों उसका वध होगा, तो उसने अपनी बहन को ही कारागार में बंदी बना लिया और फिर एक एक करके अपनी बहन के नवजात शिशुओं की हत्या करने लगा। तब देवी योगमाया ने देवकी के साथ हुए गर्भ को संकर्षण कर रोहिणी के गर्भ में पहुंचाया था, जिससे श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम का जन्म हुआ था। जब भगवान श्री कृष्ण ने मथुरा में देवकी के 8वीं संतान के रूप में अवतार लिया, तब गोकुल में यशोदा माता ने भी एक कन्या को जन्म दिया था, और उसी समय योगमाया के चमत्कार से ही कंस के कारागार के दरवाजे अपने आप खुल गए और सारे सैनिक गहरी नींद में सो गए। और तब वासुदेव जी श्री कृष्ण को गोकुल छोड़कर अपने साथ कन्या को ले आए थे। कंस को जब देवकी की 8वीं संतान कन्या होने का पता चला तो उसे भी मारने के लिए वह पहुंच गया, लेकिन जैसे ही कन्या को पत्थर पर पटका, वह कन्या देवी योगमाया के रूप में प्रकट हो गई और कंस की मृत्यु की भविष्यवाणी करके अदृश्य हो गई। कन्या का शरीर आकाश मार्ग से विंध्याचल पहुंच गया और फिर मैरोली स्थित योगमाया सिद्धपीठ में आ गया। माना जाता है कि योगमाया ने योग विद्या और महाविद्या बनकर कृष्ण के साथ मिलकर कंस, चाणूर, मुष्टिक समेत कई ताकतवर असुरों का वध किया था। इस मंदिर में गणेश जी, शिव जी, हनुमान जी, श्री राम जी, कल्कि आदि देवी देवताओं की मूर्तियां भी स्थापित की गई हैं। देवी योगमाया एक अदृश्य शक्ति है जो देवताओं को उनके दैवीय कार्य करने में मदद करती है। दुर्गा सप्तशती के प्रथम अध्याय में बताया गया है कि जब मधु कैटभ दो राक्षसों ने ब्रह्मा जी पर जानलेवा हमला किया, तब ब्रह्मा जी ने देवी योगमाया की स्तुति की थी और उनसे अनुरोध किया था कि वो श्री हरि विष्णु को मधु कैटभ राक्षस का वध करने के लिए प्रेरित करें, और उनके प्रभाव से श्री हरि विष्णु ने मधु कैटभ का वध किया था।
पांडवकालीन इस मंदिर का वर्तमान स्वरूप सन 1827 ईसा का माना जाता है। संपूर्ण मंदिर सुंदर भित्ति चित्रों से सजा है। मंदिर की दीवारों पर श्री विष्णु, देवी दुर्गा, लक्ष्मी जी, यक्ष, गंधर्व आदि की आकृतियां पत्थरों को काट काट कर उकेरी गई हैं। एक बार यहाँ अवश्य आए और देवी के इस मंत्र ओम श्री योग माया महालक्ष्मी नारायणी नमस्तुते का जाप कर आशीर्वाद प्राप्त करें। अभी के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी घुमक्कड़ी के अगले ब्लॉग में। टिल देन नमस्कार।